नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने मंगाया है अमेजन की सेल से वन प्लस नॉर्ड 2 CE2 लाइट। दोस्तों नाम काफ़ी बड़ा है इस फ़ोन का और इसकी अनबॉक्सिंग दोस्तों मैंने पहले भी की हुई है। तो दोस्तों जी हमने मंगा लिया है, आज मैं आपको दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि ये दोस्तों सेल में हमें मिला है। तो दोस्तों क्या ये जिस प्राइस पर मैंने लिया है उस प्राइस पर ये फ़ोन बर्थ है कि नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, मेरे पास वन प्लस की तरफ से है वन प्लस नॉर्ड 2 CE2 लाइट। जी देखिए तो दोस्तों ये 5G फ़ोन है। आज मैं आपको इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि दोस्तों कैसी हमें इसमें क्या क्या मिलता है और फ़ोन कैसा है। तो देखिए ये है दोस्तों, सबसे पहले बॉक्स को ओपन करता हूँ मैं। ये वन प्लस का बॉक्स दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों हमें कुछ पेपर वर्क मिलते हैं और एक बैक कवर मिलता है। देखिए और ये दोस्तों मेन फ़ोन वन प्लस का। ये दोस्तों डाटा केबल और ये है इसका चार्जर दोस्तों, इसका 33 वॉट का है, फास्ट चार्जर है। तो डाटा केबल इसकी है यूएसबी टाइप ए और टू टाइप सी, और कुछ भी नहीं दोस्तों इसके अंदर। और ये दोस्तों सिम इजेक्टर टूल। तो मैं जल्दी दोस्तों इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, क्योंकि आपको वैसे ही पता होगा इस फ़ोन में क्या क्या मिलता है, क्योंकि फ़ोन दोस्तों काफ़ी पुराना हो चुका है आए हुए। दोस्तों देखिए ये वन प्लस का फ़ोन जो काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये प्लास्टिक बॉडी है पीछे, ये दोस्तों एक स्लिपरी फ़ोन है, वैसे काफ़ी स्लिप हो रहा है ये देखिए। और ऊपर दोस्तों अलग डिज़ाइन दी गई है इसमें दोस्तों, ये दो कैमरे दिए गए हैं, एक अलग से दिया गया है, दो बड़े कैमरे हैं एक छोटा है। दोस्तों इसका जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का। और दोस्तों इसके फ्रंट में मिलता है 32 मेगापिक्सल का एक कैमरा। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। इसमें दोस्तों आप सिम ट्रे की बात करूँ मैं, तो इसमें हाइब्रिड सिम जोड़ दिया गया है, या तो आप इसमें दो सिम लगा सकते हो या फिर एक मेमोरी कार्ड एक सिम लगा सकते हो। ये दोस्तों इसके अंदर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर 695 वाला, जो कि दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है। और इसके अंदर दोस्तों आपको 5G सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और इसमें दोस्तों आपको मिलती है इस तरफ टाइप सी पोर्ट, ये दोस्तों 3.5 mm जैक, जो जिसमें दोस्तों आप अपनी लीड लगा सकते हो। और इसका ये स्पीकर है दोस्तों। इसके फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो दोस्तों इस यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, इसके पावर बटन वाले में ही इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है साइड वाला। दोस्तों इस साइड दिए गए हैं वॉल्यूम अप डाउन बटन। तो दोस्तों ये फ़ोन किन लोगों को लेना चाहिए किन को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जिनको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिनको काफ़ी गेमिंग करनी है, गेमिंग का शौक़ है, वन प्लस का फ़ोन चाहिए, वन प्लस ब्रांड उनको अच्छी लगती है, तो दोस्तों वो इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो। प्लस दोस्तों इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, देखिए कैमरे का जो मॉड्यूल है वो थोड़ा उठा हुआ है और कलर काफ़ी अच्छा है। और लेकिन दोस्तों जिन लोगों को एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमें मिलती है 6.5 इंच की डिस्प्ले, बट ये एक AMOLED डिस्प्ले नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो एक अच्छी डिस्प्ले के साथ आए, जिसमें दोस्तों काफ़ी अच्छे कलर आपको नज़र आएँ, AMOLED डिस्प्ले हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में ये फ़ोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले इसमें नहीं दी गई है। बट आपको डिस्प्ले LCD हो या और भी कोई हो तो चल जाएगी, बट आपको गेमिंग करनी है, देखने में फ़ोन काफ़ी अच्छा लगे, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसकी प्राइस की बात करूँ दोस्तों तो मैंने इसको लिया है 15,999 रुपये का, यानी दोस्तों 16,000 रुपये का दोस्तों ये मिला है। अब दोस्तों आप इसको कैसे ले सकते हो मैं आपको बताता हूँ कि आप जब इसको आप देख सकते हो अमेजन से, जब आप इसे लोगे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए जब आप इसको परचेस करोगे तो इसकी प्राइस दी गई है दोस्तों 18,999 रुपये। यहाँ दोस्तों आपको 1500 रुपये का एक कूपन डिस्काउंट मिलता है, प्लस दोस्तों आपको 1500 रुपये का बैंक कवर मिलता है। जब आप इसको SBI कार्ड से इसका पेमेंट करते हो तो 1500 रुपये 2000 रुपये डिस्काउंट मिलता है, तो जैसे आपको पड़ेगा 16,999 रुपये का। और प्लस दोस्तों 1000 रुपये डिस्काउंट मुझे मिला है एक्सचेंज ऑफर पे, तो इस तरीके दोस्तों जो मुझे मिला है 16,000 रुपये का। तो अगर जी आप लेना चाहते हो तो दोस्तों आप अमेजन सेल से कह सकते हो, जो सेल दोस्तों अभी कुछ दिनों चलेगी, बट अभी इसका स्टॉक
अमेजन पे है, तो अगर आपको चाहिए तो इसे ले सकते हो। दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है देखने में भी, वैसे भी अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं सारी वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।